नमस्कार, सलाम। चुनाव चक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। आप सबको खबर हो ही गई होगी कि गुजरात के चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। 1 और 5 दिसंबर को दो चरणों में गुजरात विधानसभा के चुनाव होंगे। हिमाचल की तारीख तो पहले ही घोषित हो चुकी है, 12 नवंबर। दोनों के बीच काफी समय है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा है। प्रधानमंत्री को भी काफी आसानी होगी हिमाचल के बाद गुजरात पर ध्यान देने और दौरे करने की। खैर, कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि चुनाव की तारीखों की घोषणा में भी इसी वजह से देरी की गई ताकि कुछ जरूरी घोषणाएं और लोकार्पण निपटाए जा सके। मगर अफसोस, बीच में यह मोरबी हादसा हो गया और गुजरात की बीजेपी सरकार के साथ प्रधानमंत्री भी अपने नए कार्यक्रम और पुराने भाषणों को लेकर सवालों के घेरे में हैं। खैर, जब चुनाव आयोग ने इतना ख्याल रखा है तो हम भी गुजरात चुनाव पर हिमाचल के बाद ही फोकस करेंगे। तो आइए चलते हैं हिमाचल की तरफ और शुरू करते हैं चुनाव चक्र। आपको खबर ही है कि गुजरात और हिमाचल से पहले 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो गए हैं। इन चुनाव के परिणामों का भी इन दोनों राज्य के चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं, इसकी समीक्षा भी हम आने वाले एपिसोड में करेंगे। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां चुनाव प्रचार जोरों पर है और अगले शनिवार यानी 12 नवंबर को वोट भी डाल दिए जाएंगे। हिमाचल की राजधानी शिमला में हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी रिपोर्टर मालविका कंवर और दिल्ली से हिमाचल पहुंचे हमारे साथी रविशंकर दुबे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मालविका, पहले आपके पास आते हैं। आप हिमाचल प्रदेश से ही हैं, आपका अपना गृह राज्य है, तो क्या चुनावी माहौल है और किस तरह का मुकाबला आप देख रही हैं? तो यहाँ तो पिछले 3 डेकेड से, जैसे सब जानते हैं, या तो कभी भी रिपीट नहीं हुई है गवर्नमेंट। या तो कांग्रेस आई है, उसके बाद से बीजेपी आई है, मतलब यही दो पार्टीज ने हमेशा चली है, और ये बार भी कुछ ज्यादा डिफरेंट है नहीं। अभी जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है बीजेपी की, उसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट है। तो और जैसे कि फील्ड में जब जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो इस बार कुछ ज्यादा ही एंगर है। अब उसके मुद्दे कई है, नेशनल लेवल पे भी जिस तरह से इन्फ्लेशन हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पे भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि जनता के मुद्दे क्या हैं और क्या वो चुनाव के मुद्दे बन पा रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। जी बिल्कुल बन पा रहे हैं। यहाँ पे एक तो जो जैसे मैंने कहा, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो तो आप पूरे कंट्री में देख सकते हो अभी। और जो ये डबल इंजन की सरकार है, जो ये हमेशा कहते हैं कि अगर दोनों जगह बीजेपी रहे तो बेटर रहेगा, बट जब आप लोगों के बीच यहाँ जाएंगे, यहाँ के अपने स्पेसिफिक मुद्दे भी है, जैसे ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम। हिमाचल में जो गवर्नमेंट सेक्टर है या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, वो काफी बड़ा एक सेक्टर है, उसको उसमें स्पेशली ये ओपीएस को लेके काफी ज्यादा एंगर है, जो ये उन्होंने, जिसकी वजह से चाहे कांग्रेस हो, चाहे अभी जो रीसेंट फ्रेम है, आम आदमी पार्टी ने भी ट्राइड टू एंटर पॉलिटिक्स इन हिमाचल, वो सभी ये मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने मतलब लागू भी नहीं कर पाई है, देयर नॉट, बोल भी नहीं रहे हैं। अच्छा, तो इसमें आगे ये बताइए, ये ओपीएस तो एक है मुद्दा सरकारी, एक सेब किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा है, ये इसमें क्या देख रहे हैं आप? जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है, स्पेशली जो अपर शिमला बेल्ट है, वो काफी ज्यादा सेब की बेल्ट मानी जाती है, हैवी बेल्ट। और भी इलाके हैं, बट यहाँ पे काफी ज्यादा सेब का वो है। तो यहाँ पे भी, क्योंकि अब जो सेब की प्रोडक्शन होती थी, उसमें जो पैकेजिंग होती थी,
में भी अब जीएसटी लगने लग गए, तो उस एंगर यहाँ पे भी है। तो सेब किसानों के बीच में या बागवानों के बीच में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जो आप अब इन्फ्लेशन, जीएसटी, आप किसी भी उससे बोलिए, तो उससे भी काफी ज्यादा इन लोगों के बीच में एंगर है। तो पुरानी पेंशन, सेब किसान और ये सड़क रोजगार और सड़क बिजली की क्या व्यवस्था, उसको लेकर कोई संतोष है जनता में या उसको लेकर भी आक्रोश है, वहां कैसी आई स्थिति थिंक है? इस समय अगर आप कहीं पे भी जाइए तो सारे लेवल्स पे किसी ना किसी जगह, किसी ना किसी सेक्टर में आपको इन सब चीजों पे एंगर और रिजेंटमेंट दिखेगा। जैसे अगर आप यहाँ से मनाली या कुल्लू, जो बहुत बड़ा टूरिस्ट हब भी है, उस तरफ जाएंगे, तो ये जो जितना भी 4 लेन का काम हो रहा है, जो अभी तक की 5 साल की गवर्नमेंट ने पूरा नहीं करा है, एक तो दूसरा उसमें काफी ज्यादा लोगों की जो लैंड गई है, रोजगार गया है, जी वो नए एक्ट के अंदर इन लोगों ने लोगों से नहीं ली है। जो 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट है, उसके अंतर्गत नहीं ली गई है, विच डायरेक्टली मीन्स कि जो बहुत मार्केट वैल्यू है, उससे काफी कम दामों पे काफी लोगों कम की, है, मुआवजा कम दिया गया जी, उसको लेके बहुत बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है है और अभी। विस्थापन भी हुआ होगा इसको लेकर काफी कुछ। जी अभी बहुत, मतलब रिसेंटली जब मंडी लोकसभा का दोबारा से बाई वो हुआ था इलेक्शन, जी उसमें भी जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो काफी ज्यादा इसको लेकर बातचीत करते थे कि लैंड किस उस पे जानी चाहिए, क्योंकि काफी लोगों ने भी बोला है कि अगर आपकी गवर्नमेंट सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, नहीं हमें मिला गया है, तो एक बहुत बड़ा इनके अगेंस्ट, एक तरह से आप बोलिए, तो दैट इज गोइंग टू वर्क अगेंस्ट देम इन दैट एरिया ऑल्सो। तो चलिए एक आपसे आखिरी सवाल कि सर्दी कैसी है वहां और राजनीतिक माहौल ने कितना गर्मा दिया है इसे? ये एक छोटी सी स्टेट है, लेकिन जैसे आप जानते ही होंगे कि यहाँ पे इस टाइम पे सर्दी शुरू हो जाती है, पीक विंटर सीजन स्टार्ट्स नवंबर दिसंबर, तो पर आजकल क्योंकि चुनावी दौर है, लोग काफी इंटरेस्ट भी रखते हैं यहाँ पे, तो इट्स हीटिंग अप द प्लेस क्वाइट तो नाइसली। चलिए जैसे वो कांग्रेस भी सोच रही है और आपने भी जैसे कहा कि यहाँ रिपीट होती हैं सरकारें और वो एक नारा भी है कि राज नहीं रिवाज बदलो, आपके बीजेपी ने दिया है ना, और पर जो रिवाज था वो उत्तराखंड में नहीं हो पाया, इस बार रिपीट नहीं हो पाया वो रिवाज, बीजेपी बनी रही, बीजेपी को शायद यही उम्मीद है और कांग्रेस को, और ये है आम आदमी पार्टी एक प्लेयर है, तीसरा प्लेयर, वैसे यहाँ अब उसने ध्यान देना कम कर दिया, गुजरात वो शिफ्ट हो जी गई, हाँ, वो थोड़ा लेकिन बहुत वामपंथी दल भी अपनी एक मौजूदगी खासतौर से सीपीआईएम दिखाने की कोशिश कर रही है। तो आपके पास फिर आएंगे और आपसे और जानकारी लेंगे कैसा रहा चुनाव। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। तो रवि अब आपके पास आते हैं, आप दिल्ली से शिमला पहुंच गए हैं है ना, और आपने अभी मालविका की बात सुनी जो शिमला की रहने वाली हैं हमारी साथी सहयोगी, उन्होंने बताया कि किस तरह से लोगों में गुस्सा है, एक सरकार के प्रति डबल इंजन की सरकार वो काम नहीं कर पाई, और आपने भी हिमाचल के चुनाव उसके पैटर्न इसको काफ़ी अध्ययन किया है, काफ़ी पढ़ा है, काफ़ी समझा है, बातचीत भी की है, और आप आगे भी अब ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोगों से फीडबैक लेंगे, तो फिलहाल अभी आपके पास क्या रिपोर्ट है, कैसी चुनावी धमक और महसूस कर रहे हैं आप? मुकुल जी, मैं बताऊं आपको, जब मैं दिल्ली से यहाँ पर आया हूँ तो हिमाचल के पास पहुँचते पहुँचते लगभग ठंड ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन जब हिमाचल के अंदर एंट्री की है तो इतने पोस्टर कांग्रेस, भाजपा और सीपीआईएम के मुझे मिले कि मुझे समझ में आ गया था कि सियासी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। बेशक मैंने जहाँ जहाँ पर मैं रुका हूँ, या चाय की दुकान पे रुका हूँ, या किसी बस स्टॉप पे रुका हूँ, या कहीं और पर भी मैं रुका हूँ, तो मैंने लोगों से बात की है। ये मान के चलिए कि ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस का पलड़ा ज्यादा भारी है या भाजपा का पलड़ा ज्यादा भारी है, हर आदमी एक साइलेंट वोटर बना हुआ है और हर शख्स यही कह रहा है कि, कोई कह रहा है कि भाजपा ने अच्छे काम किए हैं, कोई कह रहा है कि कांग्रेस ने अच्छे काम किए थे तो उनको फिर से वापस आना चाहिए, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि भले ही भाजपा की सरकार प्रेजेंट टाइम में हो, लेकिन जो कांग्रेस के जो पुराने नेता थे और बड़े दिग्गज नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उन्हें बहुत याद किया जा रहा है। तो एक चीज ये भी कही जा सकती है, क्योंकि इस बार उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है, प्रतिभा सिंह,
मैंने कई लोगों से बात की, उनका साफ तौर पर महेंद्र सिंह जो थे उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छे काम किए, और एक तरह से जब उनसे बात कर रहे थे तो ये लग रहा था कि उनकी भावनाएं पर्सनली उनसे जुड़ी हुई हैं वीरभद्र सिंह के साथ, क्योंकि एक वही मात्र ऐसे नेता भी हैं कि थोड़ा सा इतिहास अगर हम खंगालेंगे, जिन्होंने हिमाचल के इतिहास में सरकार दोहराई थी, ऐसा कोई नेता आज तक हिमाचल में नहीं हुआ। तो एक तरह से कहा जाए कि वीरभद्र सिंह भले ही आज इस दुनिया में ना हो, उनका निधन हो चुका है, लेकिन उनके साथ लोगों की भावनाएं और जो कांग्रेस को पसंद करते थे या अभी जिन्होंने पिछली बार भाजपा को वोट दिया था, उनकी उन लोगों की सिंपैथी वीरभद्र सिंह के साथ अभी भी है। और यही वजह है कि एक बार फिर हो सकता है कि उसी पैटर्न पर लोग चलें और प्रतिभा सिंह को हाँ जो उनकी सही, और ये भावनाएं तो हैं ही, जैसे मालविका ने भी बताया कि जमीनी समस्याएं बहुत हैं। दरअसल चाहे वो सेब उत्पादक किसान हैं, चाहे वो पुरानी पेंशन का मसला है, आपने भी पिछले दिनों लिखा इस पर तो, और बेरोजगारी को लेकर काफ़ी कुछ है। अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें हिमाचल प्रदेश का स्थान बेरोजगारी में देश में चौथा है ना। इसकी दर करीब 9.2% बेरोजगारी दर, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.8% है। तो इन सब को लेकर भी एक तो सैम्पैथी भावनात्मक मुद्दा अलग हुआ, लेकिन जो आप आए जिस तरह से आपने बताया कि चाय की दुकान हो या बस स्टॉप हो या कहीं भी आप टैक्सी ली होगी, बातचीत जो आपकी हुई, इस सब को लेकर उन लोगों का क्या कहना है इन मुद्दों को लेकर? मैं आपको बताऊं, जब मैं इसके अलावा मैं जब मैं रुका हूं कहीं पर भी, तो जो सबसे मूल, अगर आप ग्राउंड लेवल में परेशानियों की बात करेंगे या किसी मुद्दे की बात करेंगे, तो सबसे मूल जो जरूरत होती है इंसान की वो पानी होती है। और यहाँ पर आकर के सबसे पहला मुझे अगर कोई मुझे कोई समझ दिक्कत समझ में आई है तो वो पानी की समझ में आई है। यहाँ पर जो जिनके लॉज है, जिनके होटल या जो छोटे मोटे हैं, छोटी दुकानें हैं, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ पर सबसे बड़ी अगर समस्या कोई है तो पानी की है। बहुत मुश्किल से पानी मिल पाता है, पीने का पानी वो लोग बहुत सीमित मात्रा में मतलब उनके पास पहुंच और पाता है। हमने तो इसके अलावा पिछले जो दिनों देखा भी गर्मियों में शिमला में क्या हालत हुई है, और उसके आस पानी को लेकर हाहाकार था। बहुत ज्यादा पानी को तो लेकर यहाँ रवि, पर अभी बहुत ज्यादा आप समस्या पहुंचे है। हैं और आप अब पूरा दौरा करेंगे हिमाचल का, लोगों से और बात करेंगे, तो आप खंगालिए और लोगों का मन, और हम आपके पास फिर लौटेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया। तो आपने रवि और मालविका की बातें सुनी और जाना कि जनता के मुद्दे क्या हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं, और चुनाव में वो किस तरह से उठ रही हैं। आपको बता दूं कि भाजपा और कांग्रेस से पहले सीपीआईएम ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और उसमें इन्हीं जनता के मुद्दों को लेकर आया गया है। ओपीएस की जो मांग है, पुरानी पेंशन की, उसे लागू करने का वादा किया गया है, और मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये करने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआईएम हिमाचल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। इस बार भी सीपीआईएम 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिमला जिले की ठियोग सीट से सीपीआईएम के एक विधायक भी हैं, राकेश सिंघा जी, जो जनता के बीच उनके अपने लड़ाकू नेता के तौर पर जाने जाते हैं। इन चुनाव को लेकर हमारे सहयोगी ने अगेन इन चुनाव को लेकर हमारी सहयोगी ने उनसे बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि देश प्रदेश के चुनाव का एक ही मुद्दा है और होना चाहिए कि लोगों का जीवन कैसे बेहतर हो। आइए सुनते हैं उनके साथ हुई बातचीत का एक छोटा सा अंश। नमस्कार आदाब, न्यूज़क्लिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं हिमाचल। यहाँ ठंड बहुत तगड़ी है, लेकिन इलेक्शन का जोश, कैंपेनिंग का जज्बा उससे भी तगड़ा है। आज हमारे साथ जुड़े हैं राकेश सिंघा साहब। ये सीपीआईएम के यहाँ के थियोग कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट हैं, ये सिटिंग एमएलए हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, और फिर से अब फाइट में आए हैं। अब आपसे पहला मेरा ये सवाल है कि इस बार चुनाव के मुद्दे क्या हैं, आपका विजन क्या है चुनाव में जाते हुए? देखिए, मुद्दा इस देश के अंदर या प्रदेश के अंदर या चुनाव क्षेत्र का, लोगों का जीवन यापन बेहतर कैसे बनाना है, उसके बगैर कोई भी चुनाव संभव नहीं है। इसलिए पहली बात तो वो है कि जीवन यापन लोगों का बेहतर कैसे बनेगा। आप जानते हैं कि 1991 के बाद जब से इस देश के अंदर नव उदारवाद के विकास के रास्ते को इख्तियार किया है, लोगों के जीवन यापन पर ग्रहण लग गया है। हालांकि 91 के बाद 2001 आया, उसके बाद 2000
11 आया, 20 साल बीते, असर उस समय महसूस नहीं हुआ, लेकिन आज उस नव उदारवाद विकास के रास्ते की पीड़ा लोगों को सहनी पड़ रही है। जितनी भी सेवाएं हैं, पीने का पानी है, बिजली है, सड़क है, स्वास्थ्य है, वेटनरी है, हॉर्टिकल्चर, सब पर ग्रहण लग गया। अगर हॉर्टिकल्चर जो यहाँ किसान और प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, अगर लाभ नहीं देगा किसान का, हिमाचल प्रदेश बच नहीं सकता। ये नव उदारवाद विकास के अल्टीमेट रिजल्ट है। आप जानते हो जो 3 कृषि कानून आए थे, वो 3 कृषि कानून की जननी 1991 थी। आज कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसकी भी जननी 1991 है, नया विकास का रास्ता है। इसलिए पहली बात है, यह विकास का रास्ता नहीं चलने वाला, ये लोगों की पीड़ा को कम नहीं करने वाला। हम जितनी मर्जी डींगे मार दे, ये विकास का रास्ता लोगों को तबाह करके छोड़ेगा। इसलिए जो विकास का रास्ता इस मुल्क के अंदर राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के सिपाहियों ने तय किया था कि राज की जिम्मेवारी होगी शिक्षा प्रदान करना, राज की जिम्मेवारी होगी स्वास्थ्य प्रदान करना, राज की जिम्मेवारी होगी बिजली प्रदान करना, राज की जिम्मेवारी होगी कि हमारे जीवन यापन को बेहतर बनाना। लेकिन आज जो राज्य है उसने आत्मसमर्पण कर दिया है और सारी देश की संपत्ति और प्रदेश की संपत्ति एक एक करके बड़े पूंजी के मालिक के हवाले देने की तैयारी हो रही है। अभी लोग कहते हैं देखो जयराम कितना बढ़िया है, बिजली मुक्त कर दी। लोगों को यह मालूम नहीं है, एक तरह से हिमाचल प्रदेश में बिजली मुक्त कर दी, दूसरी तरह से केंद्र की सरकार ने संसद के अंदर बिजली का बिल लाया है उसको प्राइवेटाइज करने के लिए। और मैं गारंटी देता हूँ 1.5 साल बाद बिजली निजी हाथ में होगी। शिमला का पीने का पानी निजी हाथ में है, वो पानी का वितरण लोगों की प्यास को बुझाने के लिए नहीं होता है। पीने का पानी का वितरण कंपनी की तिजोरी में कितना पैसा आएगा वो उसके उद्देश्य है, और यही बिजली का होने वाला है, यही बाकी का हो गया है। इसका रास्ता एक ही है, जनता की एकता को कायम करना है। मैं चुनाव में खड़ा हूँ, मैं सिर्फ ये बात को नहीं कहता हूँ मेरी पार्टी, नहीं, मैं ये कहता हूँ जनता की एकता, और ये जनता की एकता ही दिशा को तब्दील कर सकती है। फिलहाल चुनाव चक्र के इस भाग में इतना ही, अगले भाग में हिमाचल और खासकर गुजरात पर बात करेंगे। इस बीच आप हमारी हिंदी और अंग्रेजी की वेबसाइट पढ़ते रहिए, और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके मुद्दे उठाने के लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है। शुक्रिया, फिर मिलते हैं।